हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट दिसम लिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सब्सिडी अपडेट क्या होती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि सब्सिडी अपडेट क्या होती है। सब्सिडी अपडेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑप्शंस मिलती है। सब्सिडी सब्जेक्ट में आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑप्शंस मिलती है कई सारे सब्जेक्ट में से, जिसमें से आपको 200 के 200 के टू सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं 100 के। इसमें आपको फॉर एग्जांपल आपको 5 सब्जेक्ट मिल गए तो 5 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करनी है, जो कि दोनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स की होगी, जो कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिशंस में आपको कंपलसरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो जरूरी होती है क्योंकि ऑनर्स होते हैं वो कंपलसरी होती है। उस ऑनर्स भी 200 की दो होती है, दो सब्जेक्ट होती है। ये भी यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटीज में कौन सी ऑनर्स चल रही है और कौन सी सेशंस में, राइट। और सब्सिडीज भी सब उसमें आपको ऑप्शंस मिलती है, लेकिन ऑनर्स में ऑप्शन आपको नहीं मिलती है। ऑनर्स में आप फिक्स रहता है कि सभी स्टूडेंट को यह पढ़ना ही है, पार्ट वन में, पार्ट टू में, पार्ट थ्री में। वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज पे, किस यूनिवर्सिटीज में कौन सी ऑनर्स चल रही है, राइट। एंड सब्सिडीज में आपको पढ़ना तो वही रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स बाय डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उसमें ऑप्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट चूज के लिए, मेरा फ्रेंड्स कोई अलग अलग दो सब्जेक्ट चूज कर लिया, और थर्ड पार्टी कोई और अलग अलग दो सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो इस तरह ऑप्शन मिल जाती है सब्सिडीज में। एंड एक और मार्क्स होती है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों 50-50 कंपलसरी होते हैं, या फिर इंग्लिश यानी हिंदी 100 की ले सकते हैं। यह भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि यूनिवर्सिटीज दोनों लेता है या फिर एक को ही ले सकता है, एक भी लेता है जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, या फिर दोनों लेता है 50-50 मार्क्स के, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सिडी सब्जेक्ट क्या होती है। सब्सिडी आप इतना ही समझ लीजिए कि सब्सिडी सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको दो चूज करनी पड़ती हैं और दो यानी कि 200 मार्क्स के आपको एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, 100 मार्क्स के दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।